अस्सलामुअलैकुम ऑल, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कोई आदमी, एक पार्टिसिपेंट जो है वो चैट के ऊपर यस एंड नो कर दे या अपना माइक ऑन करके मुझे बता दें कि आप लोगों को हमारी आवाज सही आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ऑल एंड वेलकम टू आवर एनईडी स्कॉलर्स वेबिनार ऑन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट सर्टिफिकेशंस। वी हैव बीन रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर ऑलमोस्ट नाउ 5 years। टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मिस्टर आफाक जावेद हु विल बी कंडक्टिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। आफाक साहब इज एन एनईडियन एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम व्हेन दाऊद कॉलेज वाज अ पार्ट ऑफ एनईडी and he's a metallurgist. Currently he is working at Ford Motor Company and he is one of the expert in the field of Six Sigma. You are fortunate that you guys are working have the opportunity to have him as your instructor. What I'm going to do, I think we should do both in English and Urdu. अभी याद आया मुझे कि हमारे कुछ ऑडियंस जो हैं उसके ऊपर भी हैं फेसबुक के ऊपर, सो हम इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर ही चलाएंगे ताकि ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आफाक साहब का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट सिक्स सिग्मा एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप देखते हैं तो सिक्स सिग्मा का जो मेजर रोल होता है वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के अंदर होता है। तो डिटेल्स तो आपको आफाक साहब बताएंगे इसलिए कि वो एक्सपर्ट है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि सिक्स सिग्मा जो है या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस का जो भी सिलसिला है वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के वास्ते नहीं है। ये वो चीज है जो दुनिया की हर फील्ड, हर प्रोसेस में यूज हो सकता है। जहां भी प्रोसेस होगा, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग एरिया हो, जो भी और जहां भी आपका एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, हर प्रोसेस के अंदर इश्यूज आएंगे। चाहे फर्ज करें वो आपने एक आप एनईडी में या कहीं किसी में चीज किसी इंस्टीट्यूट में दाखला लेते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर भी फ्लॉज है, उसके कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। सिक्स सिग्मा वो प्रोसेस है जो के मेथडोलॉजी है या वो टूल है या वो फिलोसफी है जो के आपको उस प्रॉब्लम्स को खत्म करके उसको इम्प्रूव करने की। आजकल सिक्स सिग्मा हेल्थ इंडस्ट्री में यूज होता है, आजकल सिक्स सिग्मा हॉस्पिटल्स में यूज होता है, क्लिनिक्स में यूज होता है, ऑफिसेज में यूज होता है, जो आपके स्टोर्स होते हैं उनमें यूज होता है, जो आपके वेबसाइट्स होती हैं उनकी इम्प्रूवमेंट में यूज होता है, आपकी जो जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं उसमें यूज होता है, इवन आप जो एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें यूज होता है। मैंने रिक्वेस्ट करी है आफाक साहब से कि वो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन जो है अभी इस पूरे मेथड में उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग पे रखें। हम किसी और वक्त बाकी एरिया के अंदर जहां जहां ये यूज होता है हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन इस वक्त सारा कंसंट्रेशन इन तीन सेशंस का वो उसमें रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग की साइट पे, डेटा की साइट के ऊपर जो हम मैन्युफैक्चरिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो कहीं भी यूज हो सकता है। फाइनली मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी मुझे आफाक साहब ने बताया कि मैंने अपने फ्लायर में एक गलती कर दी है कि वो जो डेट्स हैं उसमें एक गलत डेट आ गई है, मेरे ख्याल है वहां पे 11, तो आप याद रखिएगा कि ये तीन सैटरडेज हैं, आज पहला सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे जो होगा दैट विल बी सिक्स्थ, विल बी अराउंड 13th बनेगा,
और उसके बाद 20। तो ये इस तरह से होगा, तो प्लीज याद रखिएगा कि ये जो है जो हमारा प्रोग्राम है वो सिर्फ सैटरडे को हुआ करेगा कराची के वक्त के मुताबिक 7 बजे। तो ये याद रखिएगा नेक्स्ट टू वीक्स भी। चलें आफाक साहब, आई गिव द माइक टू यू नाउ, और मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, तो ये आपके हाथ में है ये क्लास। बाय द वे, अगर किसी को कोई सवाल हो इन बिटवीन, तो डॉक्टर आफाक साहब बता देंगे आपको कि किस तरह से आप वो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, और चाहें तो वो सवाल आप अगर आप ऑडियंस के साथ पूछना चाहते हैं तो अपना पार्टिसिप में चैट के अंदर भी पूछ सकते हैं। मीनवाइल मैं फिर सबसे ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक, मेरा ख्याल है अभी तक बहुत से लोग आए हैं, लेकिन सब ने पोलिंग नहीं करी है। अगर आपने पोलिंग नहीं करी है अब तक तो प्लीज पोल कर लें। इस वक्त अराउंड 31 हो गए हैं आफाक साहब, तो मैंने थोड़ी सी जो बात कर ली उससे अच्छे खासे लोग आ गए आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले। थैंक यू आफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप हमको ये इतना टाइम देते हैं हर साल स्टूडेंट्स के लिए। रियली अप्रिशिएट दैट। अल्लाह इट्स अप टू यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप अक्सर थोड़ा सा करीब आ जाइए ताकि आपकी आवाज सही आ सके। बिल्कुल सही। हाँ, तो या तो मैं वो लगा लूं, हेडफोन लगा लूं। नहीं नहीं, हम आपकी मर्जी है, ये आपकी आवाज बिल्कुल सही थी हमारे लिए, लेकिन जरा सा और क्लियर हो जाती। अभी ठीक है? ठीक है, अभी ठीक है जी, बिल्कुल सर। अगर किसी को आवाज की कमी हो रही है तो प्लीज वो माइक के ऊपर बता, उसके ऊपर चैट पे बता दे। मैं वो लगा लेता हूं। अभी ठीक है? परफेक्ट सर। ठीक है ना? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ओके, सो एवरीबॉडी इज लिसनिंग नाउ? यस सर। ओके, गुड गुड। ओके, देख, इन दिस प्रेजेंटेशन वी आर ट्राइंग टू, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको आवाज ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका मेन फोकस ये है कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इट्स नॉट मैटर ऑफ डूइंग द प्रेजेंटेशन और जो लोगों को समझ में ना आए, कॉन्सेप्ट यही है कि आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसलिए मैं डोंट कंसंट्रेट टू मच ऑन द स्लाइड्स, कंसंट्रेट व्हाट वी आई एम टॉकिंग एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस during the presentation, you know, and try to understand, try to grasp. The most of the time it's happens we go in different presentation this and that, and bahut sari cheeze hamari samajh mein nahi aati, hum wahan se jab presentation attend karke wapas aate hain to ye dekhna chahiye humne kya take away tha. So isme take away ki koshish kare ki zyada se zyada concept clear ho, aur chahe hame thoda sa zyada time dena pade, I don't care about it. अगर 3 घंटे की जगह में 4 घंटे देने पड़ेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना? So we are talking here, we are talking about the process variation and synopsis of Six Sigma. Okay? Any question at the start? हाँ, ये एक अच्छा है कि अगर आपको पास अभी कोई सवाल है जो आप पहले से समझते हैं कि अगर इसका जवाब पहले मिल जाए तो आपको आसानी होगी समझने में, तो दिस इज अ गुड टाइम टू आस्क दैट क्वेश्चन। एंड और इसमें जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन रखेंगे, याद रखें, उतना ही ज्यादा सीखेंगे, और जितना ज्यादा आप खामोश रहेंगे उतना ही कम सिखाई देगा आपको ये। तो मेक श्योर के आप इंटरेक्ट करते रहें, और आफाक साहब इज वेरी गुड इन गिविंग यू अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द सेम आइडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सवाल ये है विद्या उजैर का कि सर विल वी रिसीव दिस रिकॉर्डिंग सेशन,
Yeah, these recording sessions will be available on YouTube as well as on Facebook. This has been going live on Facebook, so it will be there on Facebook also. Any other question before we proceed? Go ahead, sir. Koi sawal nahi hai. Okay, so actually when we are talking about the process ki definition kya hai? Process is applied everywhere. Suppose you are making any of the components. Suppose you are making garments, suppose you are making any stampings, suppose you are making any steel part, suppose you are making pharmaceutical manufacturing like aspirin or whatever it may be. So manufacturing jo hai, concept of manufacturing is the same. Okay, मैन्युफैक्चरिंग ये होता है कि और हर चीज की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है. सपोज आप इफ यू आर गोइंग टू बाय द शर्ट फ्रॉम आउट ऑफ द मार्केट, आप उसका आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आप देखेंगे कलर मुझे कौन सा चाहिए, मुझे बटन कैसे चाहिए, किस टाइप का शेप होना चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है. अच्छा, उस रिक्वायरमेंट को कौन मीट कर रहा है? मैन्युफैक्चरर मीट कर रहा है. और उसमें वो वेरिएशंस हो सकती है. वेरिएशंस क्या मतलब हुआ कि जो इसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होगी उससे कितना आउट है. सपोज मैं चाहता हूँ एक शर्ट मैं बाय कर रहा हूँ और उस पर 5 बटन होने चाहिए, वेरी सिंपल एग्जांपल सपोज, लेकिन वहाँ 4 बटन है, ठीक है, यू डोंट वांट टू बाय इट. सपोज यू वांट टू बाय ए शर्ट ऑफ कलर रेड बट द कलर इज डल, you want bright. Customer demand versus what you produce. Okay, so suppose you produce red color of shirt, theek hai, aap red color ki shirt bana rahe hain, manufacture kar rahe hain, lekin usme dull red hai, to wo aap specific usko yani variation ho gaya na wahan pe, variation of the standard, jo standard aapne specified ki hai ke suppose aap 4 कलर की शर्ट बना रहे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक येलो है सपोज, और उसके आपने पैनल फिक्स कर दिए कि कलर मैचिंग ये होनी चाहिए. जहां कहीं उससे कलर डल हो जाता है या ब्राइट हो जाता है तो वो वेरिएशन हो गई. तो वेरिएशन कॉमन प्रोसेस में भी होगी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में, फार्मास्यूटिकल में भी होगी और एनीवेयर इन द वर्ल्ड. So, मैन्युफैक्चरिंग जहां भी हो रही है हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एज पर स्टैंडर्ड कंट्रोल करना है, और जहां हम कंट्रोल नहीं करेंगे स्टैंडर्ड से वेरिएशन हो जाएगी. स्टैंडर्ड से वेरिएशन होगी तो कस्टमर इज नॉट गोइंग टू बाय इट. सपोज आपको, एज अगेन आई एम टेलिंग यू, सपोज यू वॉन्ट टू बाई एक पर्टिकुलर कलर ऑफ द शर्ट एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, डल है, तो आप नहीं लेंगे. सो आपका जो प्रोसेस करने वाला है वो आपकी डिमांड को मीट नहीं कर रहा, उसके प्रोसेस में वेरिएशन है. वेरिएशन मीन्स स्टैंडर्ड वर्सेस व्हाट एवर यू प्रोड्यूस. स्टैंडर्ड आपका ये है कि रेड डल नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां डल रेड हुआ तो वेरिएशन हो गई, वो कस्टमर तो एक्सेप्ट नहीं करेगा. मैं एक सिंपल, ठीक है, ऐसे आप शूज लेने जाते हैं, सपोज आपका साइज है 8, ठीक है, आप 8.5 नहीं लेंगे. आपने फेसबुक पे या अमेजोन में आपने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे 8 साइज का शूज चाहिए, लेकिन अगर वो 8.5 साइज का, 8.5 साइज का भेजेगा तो आपके लिए वेरिएशन नहीं. आपको 8 चाहिए था, आपको 8.5 दे रहा है वो ही इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग 8.5.
सो वेरिएशन जनरल लाइफ में भी है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में भी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी है, हर जगह है. और वो प्रोसेस वो बेहतर है जो अपनी वेरिएशन को मैक्सिमम कंट्रोल करे. जहां वेरिएशन ज्यादा होगी डेफिनेटली प्रोसेस कंट्रोल में नहीं होगा. प्रोसेस को, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग यू आर मेकिंग इज ए प्रोसेस. और उस प्रोसेस के आपने स्टैंडर्ड बना लिए कि ये प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स हैं. जहां स्टैंडर्ड से वेरिए किए वेरिएशन हुआ तो ये वेरिएशंस होंगे. प्रोसेस स्टैंडर्ड्स, जहां स्टैंडर्ड से आप दूर हुए क्या होगा? वेरिएशंस होंगी. सो हर प्रोसेस को, चाहे वो बेसिक प्रोसेस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, इवन एटॉमिक प्रोसेस हो, एवरी प्रोसेस की अपने स्टैंडर्ड्स हैं. जहां स्टैंडर्ड से उसको वेरिएशन करेगा तो वो वेरिएशन होंगी और फिर डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे. आप ये नीचे देख रहे हैं वर्ड्स, वेरिएशन एंड डिफेक्ट्स आर कॉस्टली एंड नॉन वैल्यू एडेड. सो अगर उसने रेड डल रेड बना रहा है तो वो क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया. और वो वेस्ट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि कस्टमर डल रेड नहीं मांग रहा, कस्टमर रेड मांग रहा है. ठीक है, तो वो डिफेक्ट हो गया. डिफेक्ट वो उसको वेस्ट कर रहा है. वेस्ट जहां हो रहा है वो क्या हो गया? कॉस्टली हो गया और नॉन वैल्यू एडेड हो गया. सो हर प्रोसेस की अपनी डेफिनेशन है और उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं और उसके स्टैंडर्ड से आप डिफर करेंगे तो वेरिएशन होगी और उससे डिफेक्ट्स पैदा प्रोड्यूस होंगे. और डिफेक्ट्स क्या होता है? कॉस्टली एंड नॉन वैल्यू एडेड. ठीक है, तो सपोज आप डोर बेल लेके आए, बाजार से आपने डोर बेल ली, एग्जांपल डोर बेल खरीदी. ठीक है, डोर बेल घर पे लाके आपने इंस्टॉल की, ओ इज नॉट रिंगिंग, तो इसका मतलब हुआ कि उसका प्रोसेस जो था वो कंट्रोल में नहीं था और उसका स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड क्या है कि बेल को रिंग होना चाहिए, बेल रिंग नहीं हो रही. अब ये आप ले जाके वापस कर देंगे, ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया. तो वेस्ट और डिफेक्ट्स जो क्रिएट हो रहे हैं प्रोसेस में कॉस्टली होते हैं और नॉन वैल्यू एडेड होते हैं. एनी प्रोसेस स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो आप, स्टैंडर्ड तो होने जरूरी है. ठीक है ना, स्टैंडर्ड के, मुझे ये स्टैंडर्ड मीट करना है प्रोसेस के लिए और जहां मैं उससे डेविएशन करूंगा तो वेरिएशन क्रिएट होगी. वेरिएशन इज कॉस्टली एंड नॉन वैल्यू एडेड. मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आई विल स्पेंड मोर देन रीडिंग द स्लाइड्स एंड टेलिंग यू, यू नो, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आई हैव विजिटेड मोर अबाउट 300 suppliers, you know, for the monitoring the processes, this and that. So I have some background, I have some knowledge. I'm not expert, but like I have some knowledge. So based on my knowledge, by my experience, I'm telling you that concept leke jaye aap kisi cheez ka. Agar concept nahi hoga to fayda nahi hai in slides ka, in presentations ka. So most of the industries, bahut si industries ye hoti hain. Abhi maine ek industry visit ki पाकिस्तान में, उनका एक मेरा फुल डे वहाँ पे प्रेजेंटेशन थी. भाई हम एक प्रोसेस है हमारा, वहाँ पे स्क्रैप बहुत ज्यादा हो रहा है. एक वेल्डिंग प्रोसेस है, वेल्डिंग तो सब समझते होंगे, वेल्डिंग प्रोसेस है, उसमें स्क्रैप ज्यादा हो रहा है. हम क्या करें? हम प्रोडक्शन रोकते हैं तो हमारा प्रोडक्शन लॉस होता है. मैंने उनसे कहा, I told them, just आप देखें कि आप क्या गारंटी देते हैं कि आज जो प्रोसेस में मेरा 10% स्क्रैप हो रहा है,
छह महीने बाद 15% नहीं होगा, आप कैसे गारंटी दोगे? कहेंगे नो वी कैन नॉट गिव यू गारंटी. सो आई टोल्ड देम इफ यू कैन नॉट गिव यू गिव मी द गारंटी, अगर यू गिव मी द गारंटी के 10% स्क्रैप है, मेरा छह महीने बाद भी 10% रहेगा, तो ठीक है चलाते रहे आप. लेकिन आप समझते हैं कि 10% 15% हो जाएगा और 15% 20% हो जाएगा, तो आप अपने प्रोसेस पे उसको उसकी मेंटेनेंस करें या जो भी एक्सपेंसेस करने हैं उसको करें. अदरवाइज या तो आप गारंटी दे दें कि भाई मैं 10% स्क्रैप से चला रहा हूं, मैं चलाता रहूंगा सारी जिंदगी, तो ठीक है. आई हैव सीन द इंडस्ट्री इज शटिंग डाउन द बिजनेस because they could not control the variation and they cannot control the defects and the process becomes costly. Suppose aap 10 shirts ya 100 shirts bana rahe hain daily, usme se aap 25 scrap kar dete hain, color nahi mil raha ya koi aur problem hai, to kya hoga? Cost to aapki manufacturing cost pe impact pad raha hai na. Cost to wahi hogi na, aapki cost to badh gayi na. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, तो वेरिएशन एंड डिफेक्ट्स आपके प्रोसेस को कॉस्टली बना देते हैं. और आई हैव सीन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज शट डाउन द बिजनेस बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन एंड कंट्रोल द वेरिएशन एंड डिफेक्ट्स एंड द प्रोसेस बिकम्स होल प्रोसेस बिकम कॉस्टली. जब कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी तो वन टाइम पीपल कहते हैं, आई हैव सीन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आई कैन गिव यू एग्जांपल, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन बिन कासिम, ट्रांस मोबाइल, दे यूज्ड टू मेक द ट्रक्स फॉर आवर फोर्सेस, दे शट डाउन द बिजनेस. नेशनल मोटर्स, दे शट डाउन द बिजनेस. नैदौर मोटर्स, दे शट डाउन द बिजनेस बिकॉज they cannot control the variation and defects and the process become very costly. It was not worth to run the process. Shut down, unfortunately. So jahan bhi aap defects or variation स्टैंडर्ड, पहले हर प्रोसेस का स्टैंडर्ड बनाएंगे कि ये मेरा प्रोसेस का स्टैंडर्ड है. जहां प्रोसेस से डेविएशन करेंगे, वेरिएशन क्रिएट होगी. वेरिएशन क्रिएट होगी, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी. नॉन वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड क्या है? नॉन वैल्यू एडेड वो है जो वेस्ट कर रहे हैं आप, जो वेस्ट होता जा रहा है. अंडरस्टैंड कर रहे हैं सब? कुछ समझ आ रही बातें? यस नो और नथिंग? आप में से कोई एक आदमी जो एक दो लोग अपने माइक जो है ना ऑन कर ले, ताकि उससे ना आसानी हो कि कोई चीज अगर रिपीट करनी हो. बहुत से लोगों ने यस यस की पार रखा रखी. ठीक है ठीक है सोहेल साहब, गो अहेड सर. स्टैंड कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल. अच्छा, मेरा अगर... ख्याल है मैं आपको बताता हूँ, किसी एक को मैं कह देता हूँ तो कौन, आमना आप या अलीशा, आप में से एक आदमी अपना माइक ऑन कर ले, या गुलाम हैदर, रुमैसा, कोई एक आदमी, रुमैसा वगैरह में से कोई एक आदमी कर ले बेटा अपना माइक को ऑन कर ले. मैं अलीशा का करता हूं. सर वो कह रहे हैं कि आपका बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है, एवरीथिंग गुड. या ये मेरे कॉन्सेप्ट है, चाहे मुझे यहाँ 3 घंटे की जगह 4 घंटे लगाना पड़े, लेकिन आई वांट दे शुड टेक अवे, चाहे हमारे कोर्स 1/4 भी ये लोग टेक अवे करेंगे, तो आई फील देयर इज आई अचीव समथिंग, यू नो. And eventually they have to pass the exam. no, exam is not. Exam, हम pass करवा देंगे, कोई मसला नहीं है. Exam is not that. Don't focus on the exam. Just try to learn. If you are learning, then it's a.
मैं वहाँ एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, वो कहने लगे कि जस्ट आई एम गिविंग यू सो एग्जांपल, एग्जांपल देता हूँ तो समझ आती लोगों की। एस्प्री वो पैनाडॉल बना इन पाकिस्तान आई थिंक यस, सो पैनाडॉल बना रहे हैं। कहने लगे कि बात यह है कि उनके फार्मास्यूटिकल मैनेजर थे, ही टोल्ड मी आफाक साहब हम ये मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अर्से से कर रहे हैं लेकिन हमारा जो एस्प्रिन की क्वांटिटी उसमें हम ऐड करते हैं उसमें हम कभी कम हो जाती है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनसे कहा कि आप आपके गेजेस को देखना पड़ेगा कि आपका सिस्टम इटसेल्फ सिस्टम प्रूफ होना चाहिए क्योंकि इज वेरी एसेंशियल क्वांटिटी ऑफ दिस एस्प्रिन एंड यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट। So you have to develop some process, you have to develop some gauges जो make sure करें कि process के standard को meet कर रहे हैं। System को itself बाज दफा हम rely करते हैं मैन पावर पे कि आदमी चेक कर रहे हैं कि भाई उसकी दो तीन sample ले लिया और check किया, लेकिन बात यह है कि sample से कंप्लीट प्रोसेस रिफ्लेक्ट नहीं करता बाज दफा। तो आपके सिस्टम में आपके मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो प्रोसेस को इटसेल्फ चेक करे। वो बात बाद में हम बात करेंगे उसकी, पोकियो और अदर सिस्टम्स की। ये आवाज जो डुप्लीकेट हो रही है, डबल आ रही है या सही है? गुलाम हैदर प्लीज अपने अपने आप को खुद ही आप म्यूट कर लें। हाँ प्लीज, ताकि आपके पास से ये वो वाइब हो रही हो। हाँ फीडबैक हो रही है आपकी तरफ से। अब सही है। हाँ तो उसमें जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट प्रोसेसेस के हाउ वी कंट्रोल, हाउ समटाइम्स इट हैपेंस स्टैंडर्ड ही नहीं है प्रोसेस में, स्टैंडर्ड ही नहीं है। अब स्टैंडर्ड नहीं है तो आप कैसे उसको स्टैंडर्ड के अगेंस्ट चलते हैं ना। मेरे प्रोसेस, ईच प्रोसेस का स्टैंडर्ड ये है, जैसे मैंने एग्जांपल दी मुझे ब्राइट रेड कलर चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड है कि हर शर्ट जो बन रही है, जो रेड कलर की शर्ट बन रही है, ब्राइट रेड होनी चाहिए। डल रेड होगा वो वेरिएशन में आएगा। तो हर प्रोसेस का जहां सब हमारे अनफॉर्चुनेटली वी हैव इसको, जैसे प्रोसेस तीन स्टेजेस में है। सपोज आई विल गिव यू अगेन एग्जांपल ऑफ द शर्ट। पहले शर्ट में आपने कपड़ा सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं टिपिकल ऑपरेशन की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं बहुत ही सिंपल ऑपरेशन, कपड़ा सेलेक्ट किया, उसकी स्टिचिंग की, ठीक है, उसमें असेंबलिंग की, असेंबलिंग मीन्स बटन लगाए, ये जो भी की, फिर उसमें आपने कलर से डाई किया, ये चार ऑपरेशन हो गए, ठीक है। हर ऑपरेशन का अपना स्टैंडर्ड, पहले ऑपरेशन का स्टैंडर्ड अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बाईपास करके वो सेकेंड ऑपरेशन में चला जाएगा, सेकेंड ऑपरेशन में नहीं होगा तो थर्ड ऑपरेशन में चला जाएगा, अल्टीमेटली आप मीट नहीं कर पाएंगे। तो हर ऑपरेशन की एक सीक्वेंस है, जैसे मैंने एग्जांपल दी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दी, मेकिंग ए रेड शर्ट, उसकी सीक्वेंस है और हर ऑपरेशन का अपना स्टैंडर्ड है। एक ऑपरेशन पे आपने स्टैंडर्ड मीट नहीं किया और सेकेंड ऑपरेशन में भेज दिया तो ये वेरिएशन जमा होती जाएगी और एंड पे जाके क्या होगा, जाया होने लगेगा, स्क्रैप होने लगेगा। स्क्रैप क्या करेगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे इंपैक्ट करेगा। आपको जो शर्ट से 2000 रुपए में मिलती है सपोज, तो कॉस्ट तो बढ़ गई ना, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो जहां आपने स्टैंडर्ड मीट नहीं किए, वेरिएशन क्रिएट हुई, डिफेक्ट्स क्रिएट हुए, तो डिफेक्ट्स कॉस्टली होते हैं। ये मैं लिख रहा हूं नीचे, इसमें लिखा है वेरिएशन डिफेक्ट्स आर कॉस्टली एंड नॉन
या आपकी ओवर ऑल इट्स अ बिग टर्म में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आई हैव सीन क्लोजर ऑफ द प्लांट, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं मेकिंग मनी द अफाक भाई आप म्यूट हो गए। अब सही है, आप म्यूट है, सही, हाँ, अब सही है। तो उसमें ये होता है कि ओवरऑल प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है, एक स्टेज पे आके वो कहता है, ओनर कहता है कि मुझे तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, मैं रन क्यों करूं। और अनफॉर्चुनेटली शट डाउन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉस्टली और नॉन वैल्यू एडेड एंड वी हैव टू कंट्रोल होल कंसेप्ट ऑफ द सिक्स सिग्मा। आई विल एक्सप्लेन यू आगे जब जाएंगे हम, होल कंसेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा फिलॉसफी क्यों आया, इसी वजह से आया कि हम अपने प्रोसेस को कंट्रोल करें, वेरिएशन को कंट्रोल करें और प्रॉफिटेबल बनाएं। ये बेसिक कंसेप्ट है सिक्स सिग्मा का, ठीक, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती, मैंने आपको एग्जांपल दी, हर जगह ऑपरेशन की डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन इज द मीनिंग ऑफ द टर्म और एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट मींस द सेम थिंग टू एवरीवन ईच टाइम। आप जैसे, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, मैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की, फिर वही शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें एक टीम है, उसकी एक्टिविटी सब मिलके काम कर रहे हैं, एक उसकी स्टिचिंग कर रहा है, एक उसकी डाइंग कर रहा है, एक मटेरियल आ रहा है, ये सारी चीजें, मटेरियल आया, उसकी स्टिचिंग हुई, उसमें बटन लगे, उसकी कलर, उसकी डाइंग हुई, उसमें सुई, फिर पैक हुई, ये एक पूरा टीम वर्क है। और क्या चीज बना रहे हैं, सेम थिंग शर्ट बना रहे हैं, लेकिन एक एक्टिविटी है, टीम एक्टिविटी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेशन, एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टीम एक्टिविटी जो सेम चीज बना रही है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेशन। से फेडेक्स है, फेडेक्स का या मेल प्रोसेस है, अब मेल का यही होता है ना, फेडेक्स का क्या है, फेडेक्स आपने फेडेक्स करना है, वो पिकअप करेगा, पिकअप करके उसकी सॉर्टिंग करेगा कि ये जो है, ये एनवेलप या ये पैकिंग सऊदी अरब जाना है, ये पैकिंग जानी है US, ये पैकिंग जानी कनाडा, सॉर्टिंग हो गई। सॉर्टिंग के बाद उसकी लॉजिस्टिक्स होगी कि भाई प्लेन से जाएगा या ट्रेन से जाएगा या बस से जाएगा या कार से जाएगा, फिर उसकी डेस्टिनेशन फिक्स होगी, वहां पे जाके डिलीवरी होगी, ये पूरा एक प्रोसेस हुआ ना। तो मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो ए प्रोसेस, ऑल्सो ए टीम वर्क, चाहे वो फेडेक्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, उस हर चीज का एक प्रोसेस है, उसके स्टैंडर्ड है, जहां वेरिएशन होगी। अब वो फर्ज कीजिए
वो पैकिंग जा रही जानी है सऊदी अरब और चली गई अमेरिका, तो डिफेक्ट हो गया ना। तो हर चीज का अपना प्रोसेस है, हर चीज का अपना स्टैंडर्ड है, हर चीज अगर जहां भी स्टैंडर्ड से डेविएशन करेगा तो वहां स्क्रैप क्रिएट होगा, वेस्टेज क्रिएट होगा और प्रोसेस पे इंपैक्ट होगा, प्रोसेस की कॉस्ट इंपैक्ट होगी, अनफॉर्चुनेटली प्रोसेस पूरा महंगा पड़ेगा, एक्सपेंसिव होगा। ओनर कहेगा मैं तो भाई ये तो मुझे नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। अंडरस्टैंड यस। आपके यहां भी एक सब्जेक्ट होगा स्टैट्स का, प्रोनाउंसिएशन करने में कभी कभी डिफिकल्टी होती, STTICS, statistics। दिस इज लाइक स्टेट ऑफ अफेयर्स, द मेट आप कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। लाइक वही बात है कि आप आज मैंने 100 शर्ट्स बनाई, उसमें से 10 शर्टें रिजेक्ट हो गई, दस शर्टें न्यूमेरिकल डेटा हो गया आपके पास, 10 शर्टों में दो में बटन गलत थे, दो का कलर गलत था, दो की स्टिचिंग गलत हुई, ये सब चीजें क्या हो गई। तो आप ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से, ये स्टैट्स, मैथमेटिक्स ऑफ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, उसको फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, एक जगह ले जाके जमा करते हैं कि आज की तारीख में मैंने 10 शर्टें बनाई जिसमें से दो रिजेक्ट हो गई, दो में एक में बटन खराब थे, एक में ही फला था, ये सब आपने उसको किया, फिर इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको जाके चार्टिंग कर देंगे भाई ये इस महीने ये हुआ, इस साल ये हुआ। तो ये सारा क्या है, स्टैट्स। ये कोई मामराई साइंस नहीं, इट्स वेरी सिंपल, इट्स कलेक्शन ऑफ द डेटा। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं डेटा को, वो क्या है, स्टैट्स। स्टैट्स इज नथिंग, इज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा, इट्स लाइक मॉनिटरिंग द डेटा डेली बेसिस, ईयरली बेसिस। भाई हर जगह ये होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स वाले हैं, हर एक से इनकम टैक्स वसूल करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन से इनकम टैक्स वसूल करते हैं, फिर उसको एट द एंड ऑफ ईयर वो कहते हैं इतना रेवेन्यू हमें जनरेट हुआ, इतने लोगों ने टैक्स किया, इतने लोगों ने टैक्स नहीं दिया, ये फिगर। हर जगह इन्वॉल्व है टैक्स, एवरीवेयर, प्रोडक्शन में, नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी में, ऐसी फेडेक्स में कितनी मेल इस महीने हमने डिलीवर की, कितनी मेल स्क्रैप हुई, गॉट इट। दिस इज स्टैट्स, इट्स नॉट मिरेकल साइंस, इट्स वेरी सिंपल। अंडरस्टैंड और नो? एनी फीडबैक? ऑल क्लियर सर। अगर समझ नहीं आई तो रोक देना प्लीज। हाँ डिफेक्ट्स क्या होता है? एनी सिंगल इंस्टांसेस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। नॉन कन्फॉर्मेंस क्या, मैंने आपको पहले बताया था नॉन कन्फॉर्मेंस क्या हुआ, रेड शर्ट, मुझे ब्राइट रेड शर्ट चाहिए, मुझे डल रेड नहीं चाहिए, तो मेरे अगर मैं डल रेड बना रहा हूं तो वो क्या होगी, नॉन कन्फॉर्मेंस
टू ए कस्टमर रिक्वायरमेंट. कस्टमर मैं हूँ, ठीक है, मैं कस्टमर हूँ, मुझे ब्राइट रेड शर्ट चाहिए, लेकिन मुझे डेल रेड मिलेगा तो नॉन कन्फॉर्मेंस टू ए कस्टमर. कन्फॉर्मेंस क्या होती है? कन्फॉर्मेंस मीन्स जो कस्टमर चाह रहा है. कस्टमर मैं हूँ, मुझे रेड शर्ट चाहिए, ब्राइट रेड शर्ट चाहिए, ये कन्फॉर्मेंस टू कस्टमर हो गया. नॉन, अगर वो डल रेड देगा तो वो क्या हो गया? नॉन कन्फॉर्मेंस टू कस्टमर. कन्फॉर्मेंस का कंसेप्ट समझें आप लोग. कन्फॉर्मेंस ये है कि जो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है. स्टैंडर्ड को मीट करना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट करना है, ठीक है. कस्टमर और कन्फॉर्मेंस कस्टमर क्या, कस्टमर जो चाह रहा है वो आप दे रहे हो. जो कस्टमर नहीं चाहता अगर आप वो दोगे तो नॉन कन्फॉर्मेंस हो जाएगा. तो कन्फॉर्मेंस वर्सेस नॉन कन्फॉर्मेंस ये कंसेप्ट जरूर क्रिएट होना चाहिए. मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि मेरा स्टैंडर्ड ये है, मैं मुझे ब्राइट रेड शर्ट प्रोड्यूस करनी है क्योंकि कस्टमर मेरा ब्राइट रेड चाहता है. अगर मैं डल रेड दे रहा हूँ तो वो नॉन कन्फॉर्मेंस हो गई. कन्फॉर्मेंस क्या हो गई? ब्राइट रेड हो गई. एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ठीक है. तो डिफेक्ट क्या हो गया? नॉन कन, ठीक है. वही एग्जाम्पल जो बेल आपने खरीदी, हाउस बेल, वो लाए और बज नहीं रही है, तो वो क्या हो गया कि उसका बजना कन्फॉर्मेंस है कस्टमर के लिए, उसका ना बजना नॉन कन्फॉर्मेंस है, ठीक है. अब आप एक फ्रिज खरीद के लाए, ठीक है, फ्रिज लेके, मैं एग्जाम्पल देता हूँ. I bought a like for my back home for my mother. I bought a like oven, cooking oven. When I brought at home, I saw the dent on it, big dent. I told the shopkeeper, this dent is not acceptable to me. It's visible. It's visible, you know. So. तो मुझे क्या चाहिए था? मुझे डेंट नहीं चाहिए. नई चीज पे अगर मैं लेके आया हूं, मुझे डेंट नहीं चाहिए. ये क्या हो गया? नॉन कन्फॉर्मेंस हो गया. ठीक है, कन्फॉर्मेंस क्या होता? डेंट, डेंट फ्री चाहिए ना मुझे. अब आप कार लेने, कार खरीदी आपने, सेकेंड हैंड कार. अब एक जगह फर्ज कीजिए उसका मिरर, साइड मिरर टूटा हुआ है, तो आप आपको नहीं चाहिए वो, आपके लिए नॉन कन्फॉर्मेंस प्रोडक्ट है वो. मुझे चाहिए गाड़ी ऐसी जिसमें मिरर मेरा टूटा हुआ नहीं है, मेरी कन्फॉर्मेंस है. ये कन्फॉर्मेंस टू द कस्टमर. I don't want in any of the operation anything. I don't want any non-conformances. This is the key of the operation. I am the customer. ठीक है, तो डिफेक्ट ये हो गया. एक सिंगल इंस्टांस डेंट वॉज सिंगल इंस्टांस. अच्छा, वही मशीन, वही ओवन में एक डिफेक्ट था. क्या था? डेंट था, डेंट था, डीप डेंट था. ठीक है, चलें. ओवन को जब आपने ऑन किया, पता चला उसका वो जो उसके जो वो है, जल जल नहीं रहे, उसके फायर नहीं आ रही उसमें ऑन करने के से. क्या एक जल रहा है, एक नहीं जल रहा, या स्पार्क होता है? जब अगर आप इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है, या उसका जो क्या नाम है, उसका दरवाजा बंद नहीं हो रहा है. तो तीन चार डिफेक्ट हो गए ना. तो वो क्या हो गया? डिफेक्टिव यूनिट हो गया. यानी डिफेक्टिव यूनिट क्या कहलाएगा? डिफेक्ट. तो एक डिफेक्ट हो गया जो स्क्रैच था या डेंट था,
डिफेक्टिव यूनिट ये हो गया जिसमें तीन चार किस्म के मुख्तलिफ डिफेक्ट हैं, तो वो डिफेक्टिव यूनिट हो गया। जैसे आप अगेन एग्जांपल, कार खरीद रहे हैं, उसका शीशा टूटा हुआ है, उसका एक टायर बहुत खराब है, उसका बम्पर टूटा हुआ है, उसके ब्रेक खराब हैं, तो वो क्या डिफेक्टिव यूनिट हो गया जिसमें कई डिफेक्ट्स हैं। और डिफेक्ट क्या हो गए, ईच हर चीज को एक 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 सारे डिफेक्ट्स हो गए। सो डिफेक्ट्स वर्सेस डिफेक्टिव यूनिट, दो डेफिनेशन हुई हमारी। समझ आया? अंडरस्टैंड? जी मोइस और एनीबडी? यस सर। अगर अभी तक क्लियर नहीं है ठीक है, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, सही ना? तो ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ही देना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट यही देना चाह रहा हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे हम कितना भी टाइम उस पर लगाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होगा मैं आगे बढ़ता जाऊंगा स्लाइड स्लाइड स्लाइड। मोस्ट ऑफ टाइम व्हेन वी गो इन, आई वेंट सम ऑफ द सेमिनार्स, बहुत सारी चीजें लगता है कि ऊपर से गुजर गई, कुछ समझ नहीं आया यार ये क्या कह के चला गया, तो आई डोंट वॉन्ट दैट थिंग, यू नो। हमें अंडरस्टैंडिंग एक स्टेज पे नहीं होगी, हम आगे नहीं समझ सकते फिर। Try to understand, try to grasp the thing, whatever I am telling you. Okay, guys? Data जो होते हैं, variable data होता है और attribute data होता है। ठीक है, टेबल डेटा दो टाइप के होते हैं, मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। वेरिएबल क्या है? मेजर एंड असाइंड नंबर, यानी आपने से आपने अगेन एग्जांपल ऑफ शर्ट, आपने उसकी स्लीव्स की मेजरमेंट ली, आपने उसकी लेंथ की मेजरमेंट ली, आपने कॉलर की मेजरमेंट ली, ये क्या हो गया, और उसको असाइन किया एक नंबर कि मेरा कॉलर साइज 15 होना चाहिए, 15 है नहीं है, 10 शर्टें मैंने मेजर की, 15 आई या 15 निकली, एक शर्ट 15.5 निकल गई, तो वेरिएबल ये हो गया। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या हो गया? ऑब्जर्व्ड एंड असाइन ए कैटेगरी और नेम। सपोज अगेन डल रेड वर्सेस ब्राइट रेड, आपने एक पैनल रखा हुआ है, उसे मैच करते हुए एक तरफ डल रेड डालते रहे, एक तरफ वो डालते रहे, उसमें नंबर आप मेजर नहीं कर रहे कुछ, वो एट्रीब्यूट डेटा हो गया। उसकी एग्जांपल ये कि एक होल है, किसी चीज में होल है, ठीक है, अब आपने एक पिन बना ली कि ये पिन अगर इस होल में जाएगी, किसी कंपोनेंट के होल में जाएगी तो वो पास हो जाएगा, और नहीं जाएगी तो वो फेल हो जाएगा, तो पास फेल आप ले रहे हैं वहां, तो वो क्या उसमें मेजर नहीं कर रहे, तो वो एट्रीब्यूट डेटा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, इसमें कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में, अभी सिर्फ ये समझें आप, वेरिएबल डेटा वर्सेस एट्रीब्यूट डेटा, दो टाइप के, जहां मेजर कर रहे हैं वो वेरिएबल हो गया, जहां मेजर नहीं कर रहे, आपने से आपने कहा डेंट, नो डेंट, एट्रीब्यूट डेटा, 10 कारें आपने देखी वहां, उसने आप किसी डीलर के पास काम करें, उसने कहा जाके चेक करो
कितने में कितनी गाड़ियों में स्क्रैच हैं, कितनी गाड़ियों में स्क्रैच नहीं है? आपने कहा 10 गाड़ियों में स्क्रैच हैं, 10 गाड़ियां बगैर स्क्रैच के हैं। मेजर नहीं किया वहां? हाँ, अगर वो कहता है स्क्रैच की लेंथ मेजर करें तब वो वेरिएबल डेटा होता। ठीक, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के डेटा किस तरह के डिफरेंस होते हैं और ये बहुत प्रॉब्लम करता है, तो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। गो अहेड सर। अगर किसी को 5-6 मिनट का गैप चाहिए, रेस्ट चाहिए, तो बता देना, तो कर लेंगे। चाय वाय पी लेना कि या कुछ भी करना है तो जस्ट टेल मी। कोई नहीं, वो तो खैर करते रहे घर में बैठे में जब। और मजा खड़े होके बोलने में होता है, ऐसा बैठ के। किसका माइक, किस किस को परमिशन मिली हुई है, जरा ऑन करें अपने, जिनको परमिट किया हुआ है। गुलाम हैदर, आई थिंक यू आर द को होस्ट। अलीशा, आप भी को होस्ट हैं, तो आप दोनों तो खोल सकते हैं फौरन अपना माइक। अनम्यूट कर लें सिर्फ ये। हाँ गुलाम हैदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, एक आदमी जो है ना आफ्ता आफाक साहब के साथ इंटरेक्ट करता रहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इसमें जो हमने इतने सालों से I have the there is so much disturbance in my background. Okay, that's fine, beta. तो वो जो important बात है ना, वो ये होती है बेटा कि हम जब ये काम कर रहे होते हैं, ये इस तरह की explanation दे रहे होते हैं ना, तो ये इतनी typical है कि इसमें बस लोग lost out हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। तो एक आदमी जो है ना वो आफाक साहब से interact करता रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है सर, कहीं repeat कर दें आप। तो मेरा ख्याल है अगर तुम और एक दो मैं और लोगों को कह देता हूँ कि वो लोग है ना इसको चेक करते रहे, इनके साथ इंटरेक्ट करते रहे फोन उसके ऊपर, माइक के ऊपर। असल में सोहेल साहब ने मुझे रात में बताया कि कल तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, तो मैंने कहा मुझे वो कह रहे थे तुम्हें 2 दिन से मैं फोन कर रहा हूँ। मैंने कहा यार मैंने देखा नहीं है आपका फोन, तो कहने लगे सुबह आपकी प्रेजेंटेशन है। मैंने कहा अच्छा भाई देखते हैं, तो वो जल्दी जल्दी में जो भी हुआ, तो इसलिए जरा सा अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो जस्ट इग्नोर एंड जस्ट आस्क मी, डोंट इग्नोर इट, ओके प्लीज, ताकि हम उसको रिपीट कर सकें। यस सर, यू कैन कैरी ऑन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर दे तो मैं रीड कर दूंगा। सही, गुड, आपको बता। चले, थैंक यू। और अगर ब्रेक वगैरह चाहिए तो वो भी बता देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग बोर हो रहे हो। ठीक है, नहीं जस्ट आप ये रखें कि हम 11 o'clock पे हमारे और उनके 9 o'clock पे हम फ्रीज कर देंगे, एक घंटा है भी हमारे पास पूरा, उसके बाद नेक्स्ट वीक ले लेंगे, हमारे पास 3 weeks हैं। अच्छा, तो ठीक है। नहीं, 3 weeks तो है, मतलब अगर बीच में चाय और काफी 5-6 मिनट कोई मसला नहीं, मैं ये कह रहा था। अच्छा ठीक है ना, अगर आप लोगों को कोई गैप चाहिए। अच्छा बात, पहले जो बात मैं काफी कर चुका हूं उसमें हमें करना क्या होगा, उसमें सवाल है आफाक भाई जी, एक और सवाल लिख रही है आमना जी, जरूर तो फिर हम वो करते हैं। आमना का मैं अगर हो सके, आमना मैं आपको आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप है ना अब खुद अपने आप को माइक से माइक ऑन करके बात कर ले, अनम्यूट करके बात कर लीजिए जल्दी से। हाँ आमना, अनम्यूट कर ले आमना अपने आपको। Excuse me, sir. Am I audible? Ha, sure. Sir, I have a question. If there are 10 cars,
So if we sort them out, like Sir Afaq has given an example that says if we sort out the data in such a way that whether the cars have dent or not, so to the attribute data, right? Yes, good point. And in other case, if we are, and like there was an example that you gave in the similar situation, we have got 10 cars and out of them, three cars have got dents and the rest of them haven't got any dents. So with that, as you have said, and what I perceive is that you said that won't be a variable data. The variable data would be only the measurement of the dent that you have and that would be present? Yeah, suppose you mean cars has five cars has a 5 millimeter dent and seven cars have 2 millimeter dents, then you are measuring it means. How you know? You know by measuring. Wherever you measure, it is variable data. Okay, sir, thank you. Good point. Okay. Any other? No, go ahead, sir. Okay, so what are the steps for the process? So सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि data की, उसमें सबसे पहले तो आपको select करना पड़ेगा कि output characteristics क्या है, कि मेरी जो final characteristics है, मैं जैसे red shirt, मुझे bright red shirt बनानी है. एक हो गया ना कि मेरा प्लान क्या है कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरी ब्राइट रेड शर्ट्स है विद फोर सपोज फाइव बटन्स विद 14 एंड हाफ कॉलर और 15 कॉलर दीज आर माय कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस हर प्रोसेस की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कलर साइज नंबर ऑफ बटन्स And you can, you depends on that product, you can definitely have output characteristics. Characteristics kya hai? Length is characteristics, color size is characteristics, color is characteristics. इसी तरह अगर आप कोई part manufacture करें जैसे आपने card manufacture करें और आप कह रहे हैं वो card में एक मिलीमीटर डेंट होता है तो मैं एक्सेप्टेबल है ठीक है दो मिलीमीटर जहां होगा वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए तो कार्ड जो भी प्रोड्यूस करें उसके एक मिलीमीटर से ज्यादा का वो नहीं होना चाहिए क्रैक नहीं होना चाहिए जस्ट आई एम गिविंग यू जनरल एग्जाम्पल यू नो एनी आइटम जैसे बेल है बेल में आप परचेज करके लाए हैं और उसको क्या है उसको बजना चाहिए और उसको 3 साल तक चलना चाहिए सपोज उसने लिखा हुआ है अपने उसमें कि 3 साल तक चलना ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ठीक तो हर प्रोडक्ट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विदाउट कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप कैसे उसको मैन्युफैक्चर करेंगे हर चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स उस कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए लाइक काइंड ऑफ उसको फॉलो करना है हर लिहाज से फेडएक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मैं जो डिलीवर कर रहा हूं सही पते पे जाना चाहिए मेरा पैकेज मैं जैसे एक दिन मुझे किसी ने शिपमेंट के लिए कहा है तो मैंने उनको कहा है कि 2 दिन में मेरी शिपमेंट पहुंचनी चाहिए तो 2 दिन में पहुंचनी चाहिए सो हर प्रोसेस की चाहे वो टेक्निकल प्रोसेस हो नॉन टेक्निकल प्रोसेस हो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस हो हर प्रोसेस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पेनाडॉल बना रही है या आईबुप्रोफेन बना रही है तो आईबुप्रोफेन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसकी पेनाडॉल की
different characteristics होंगी. Output characteristics यानी final characteristic जो customer मांग रहा है. FedEx में अमेरिका में बैठा हुआ कस्टमर FedEx से कह रहा है कि मुझे अमेरिका में मेरे घर पे ये पैकेज चाहिए, तुम उसको सऊदी अरब डिलीवर नहीं कर सकते. सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स FedEx की क्या है कि जो पता दिया हुआ है वहीं पे डिलीवर करना है. फार्मेसियल के क्या है कि जो स्पेसिफिकेशन उन्होंने लिखी हुई है कि इसमें एस्प्रिन इतने परसेंट होना चाहिए, एस्प्रिन उतने परसेंट होनी चाहिए. यू आर नॉट गोइंग टू किल द पीपल, यू नो. इसी तरह somebody is taking insulin, उसकी भी quantity fix है कि भाई इसको इतनी insulin लेना चाहिए. Diabetic patient है, उसको उसकी अलग specification है, उसकी requirement अलग है. तो हर चीज की अपनी specification, हर चीज की अपनी characteristics हैं और output characteristics हैं, उसको maintain करना है हर एक को. उस कैरेक्टरिस्टिक को सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं. उस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अगेन एग्जांपल ऑफ FedEx. FedEx कि भाई यूएस के लिए मैंने एक बिन बनाया हुआ है जहां यूएस के सारे पैकेज वहां पे रखे जाएंगे और यूएस की यूएस पैकिंग जो है इतने दिन में जाएगी. ये सॉर्टिंग मेथड होगा. इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के एक मुझे एस्पिरिन की क्वांटिटी कितनी मेंटेन करनी है. स्टैंडर्ड्स होंगे हर चीज के, स्टैंडर्ड्स होंगे. अगर आप स्टैंपिंग का होल बना रहे हैं उसका उसका भी अपना स्टैंडर्ड होगा कि इस होल का साइज इतना होना चाहिए. एग्जांपल आई कैन गिव यू कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एग्जांपल, आई डोंट वांट टू गिव यू, आई एम जस्ट गिविंग सिंपल एग्जांपल. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर थर्ड पॉइंट वैलिडेट मेजरिंग सिस्टम. आप का मेजर जो कर रहे हैं आपका सिस्टम क्या है उसको आप वैलिडेट करते हैं. फर्ज कीजिए आप बाजार चले जाएं, आपसे उसके कहते हैं कि 1 किलो मीट चाहिए मुझे, ठीक है. और जिस चीज से वो उसको मेजर कर रहा है उसकी कैलिब्रेशन हुई है या उसको कोई वैलिडेट कर रहा है नहीं कर रहा. Fourth point, establish baseline process capability. Process capability, I'm not going to define now. I will define later on. But like process capability, general concept ले लें कि आपका process capable होना चाहिए. मैं अभी standard deviation, six sigma की बात नहीं कर रहा, अभी simple बता रहा हूँ कि उसको आपका process capable होना चाहिए. Capability कैसे करेंगे वो हम आगे जाके पढ़ाएंगे. Define performance objective. Performance objectives क्या हैं? Identify variation sources. Variation कहां से आ रही है? Say red shirt बना रहे हैं आप, bright red shirt बना रहे हैं, तो variation ये भी हो सकता है जो color आपको दिया जा रहा है वो सही नहीं हो. वेरिएशन ये भी दिया जा सकता है आपने जब डिप किया हो कलर करने के लिए ज्यादा देर डिप नहीं किया हो. वेरिएशन वहां से भी हो सकती है कि आपने ड्राई से नहीं किया हो. देखिए ना, एक जनरल मैंने एग्जांपल अभी आपको सोच के बताइए कि उसके कितनी वेरिएशन, कितने टाइप की वेरिएशन निकल गई, वेरिएशन के सोर्सेज निकल गए, कहाँ कहाँ से वेरिएशन आ सकती है वहां. एक सिंपल रेड कलर की, ब्राइट रेड कलर की शर्ट बनाने में वेरिएशन के सोर्सेज कितने हो गए.
और हर एक के कॉजेज होंगे, हर एक के कॉजेज होंगे, रीजन होंगे. वो कॉजेज पोटेंशियल कॉजेज, पोटेंशियल कॉजेज हो सकते हैं. पोटेंशियल का मतलब ये कॉजेज हो सकते हैं, उसको हमें स्क्रीन आउट करना है. उसको जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वो जो कलर जो सप्लाई कर रहा है उसका कोई स्टैंडर्ड बना के उसको कहा कि भाई ये मुझे ये कलर हमेशा तुम दोगे शर्ट के लिए. कॉजेस आपने अवॉइड कर दिया. टेम्परेचर उसको जब डिप डिप करते हैं उसका टेम्परेचर कंट्रोल लगा दिया आपने कि यहाँ टेम्परेचर से मेरी शर्ट का कलर लगता है या ब्राइट हो सकता है. तो ये पोटेंशियल कॉजेस हो गए जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? फिर नंबर 8 इज डिस्कवर वेरिएबल रिलेशनशिप. वेरिएबल में रिलेशनशिप्स होगी ना, कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट पड़ेगा. से अगर उसने कलर ही रेड कलर ही प्रोवाइड नहीं किया, जिस जो कलर प्रोवाइड कर रहा है सही प्रोवाइड नहीं किया, तो जब आप उसको टिप करेंगे डेफिनेटली उसमें भी वेरिएशन आएगी. हर वेरिएशन एक दूसरे से रिलेट करेगी. उसका रिलेशनशिप हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये जो एक वेरिएशन से दूसरे वेरिएशन का क्या रिलेशन. एस्टेब्लिश ऑपरेटिंग टॉलरेंसेस. टॉलरेंसेस क्या होती है? उसकी जो स्पेसिफिकेशन लिमिट आपको करनी पड़ेगी कि ये टेम्परेचर जो पानी का जो टेम्परेचर मैं ड्रिप कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर इतने डिग्री से इतने डिग्री होगा. ऑपरेटिंग टॉलरेंस, ऑपरेटिंग के स्टैंडर्ड्स होंगे, ऑपरेटिंग टॉलरेंसेस होंगे. वैलिडेट मेजरिंग सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम को वैलिडेट करना पड़ेगा कि भाई सही भी है नहीं जिससे मेजर कर रहे हैं. फाइनल कैपेबिलिटी, हमें प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात करेंगे. फाइनल प्रोसेस कैपेबल है प्रोसेस हमारा नहीं है. और फिर इम्प्लीमेंट प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगे हर जगह. ठीक है, एनी थॉट्स? गुड टू गो? एक चीज जी, एक चीज याद रखें, जब हमें पूछता हूं ना तो उससे हमारी भी लर्निंग होती. हम ना अपना माइक खोल के है ना आप जवाब दे दिया करें बेटा. जी श्योर सर, इट्स ऑल गुड. जी गुड, थैंक्स. सिक्स सिग्मा, हर तरफ बात होती सिक्स सिग्मा, दिस एंड दैट, यू नो. सिक्स सिग्मा इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. इट इज इंस्टेड ए बिजनेस फिलॉसफी दैट एम्प्लॉयज ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू रिड्यूस वेरिएशन. देखिए कंसंट्रेट करें, ये एक पूरा फिलॉसफी है और इस अप्रोच स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है वेरिएशन. क्वालिटी इंक्रीज करें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड टाइम मार्केट शेयर, यानी जो मार्केट शेयर में आपकी आप अपना बढ़ाएं, शेयर बढ़ाएं. कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द की. कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सिक्स सिग्मा इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, नॉट बिजनेस ऑफ क्वालिटी. यानी आपकी बिजनेस की क्वालिटी क्या है. आप वेरिएशन कंट्रोल करते हैं, आपका प्रोसेस स्टैंडर्ड है, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, वेरिएशन रिड्यूस करते हैं. जहां वेरिएशन होगी, जैसे हम पहले कह चुके हैं, जहां वेरिएशन होगी वहां आपका प्रोसेस कंट्रोल में नहीं होगा. आपका स्क्रैप ज्यादा बढ़ेगा, आपका वेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
बढ़ती जाएगी। यही हुआ ना स्टील मिल्स में, क्या हुआ, यही हुआ ना, क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही थी, इतनी बढ़ गई थी हर बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। व्हाई आई रन द बिजनेस व्हिच इज नॉट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या, डेफिनेटली आपके यहाँ फूड इंडस्ट्री डेवलप कर रही है पाकिस्तान में, आप देखें क्वालिटी मेंटेन, शान मसाला इस दुनिया में फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है, इसलिए कि उनके प्रोसेस, आई नो द एमडी ऑफ शान मसाला, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड, सो दिस लाइक दे मेंटेन द दे हैव द प्रोसेस स्टैंडर्ड। कभी मैं ये नहीं, मैंने ये नहीं देखा, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, व्हाट अबाउट कोरमा मसाला एंड इज कोरमा मसाले के बैग में चिकन करी का मसाला रखा हो, कभी नहीं देखा। तो क्यों क्यों उसकी मार्केट है, वजह क्या है। आई वॉज व्हेन आई व्हाइल आई वॉज इन पाकिस्तान आई वॉज लाइक प्लांट मैनेजर फॉर एक्साइड बैटरी। एक्साइड बैटरी का मार्केट शेयर 64% है अभी भी, सो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी बिजनेस फिलॉसफी बेस्ड हो क्या, आप वेरिएशन कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, कस्टमर क्वालिटी की सेटिस्फेक्शन है और मार्केट में टाइमली आप प्रोवाइड करते नहीं। अब वही बात है, शान मसाले की अगेन एग्जांपल कि शान फर्ज कीजिए अगर हम शान मसाला अवेलेबल ना हो तो जाहिर है डेफिनेटली कस्टमर तो दूसरी चीज तो कंसेप्ट ये किसी भी प्रोसेस का, प्रोसेस इन्वेंट करना इजी है लेकिन प्रोसेस की क्वालिटी स्टैंडर्ड कस्टमर रिक्वायरमेंट मीट करना मुश्किल है। वो जहां मीट करेंगे तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा और कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। जहां कस्टमर सेटिस्फाइड होगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा। तो सिक्स सिग्मा इज नॉट क्वालिटी ऑफ बिजनेस, इज ए क्वालिटी ऑफ बिजनेस, सॉरी नॉट द बिजनेस ऑफ क्वालिटी, इज आप हाउ यू इंप्रूव योर डिलीवरी, हाउ यू इंप्रूव योर सेटिस्फेक्शन, चीजें जो कस्टमर को सेटिस्फाई करें। अब KFC हर जगह पाकिस्तान में भी खुल गया, कई जगह अब देखें दे आर मेंटेनिंग देयर क्वालिटी, सो जब आप वेरिएशन रिड्यूस करेंगे, वेरिएशन इज द की, जहां आप इसका वेरिएशन रिड्यूस करेंगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। सो सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट यही नहीं होता है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बना के बैठ जाने, इसका ये होता है कि आप इम्प्लीमेंट करें, वेरिएशन कंट्रोल करें, मेजरिंग सिस्टम हो आपका, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर से फीडबैक लें। एक्सक्यूज मी सर, यस, वी हैव गॉट अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स फ्रॉम हिफ्जा वसीम, शी इज आस्किंग हाउ डू वी डिफाइन मार्केट शेयर। मार्केट शेयर इट डिपेंड्स, लाइक जैसे आप देखें इस एक्साइड बैटरीज की मैंने मार्केट बताई कि मार्केट शेयर 64% है, सो मार्केट शेयर
तो इंक्रीज करने के लिए डेफिनेटली आपको अपनी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और वेरिएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल करना पड़ेगा. क्वेश्चन क्या था दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज. Sir, she just needs to know what market share is. Market share is suppose overall requirement of the batteries in Pakistan. Suppose total overall, I don't know the number exactly, but I'm just giving example. Suppose aapki 500,000 batteries chahiye aapko pure mulk ke liye per month. Suppose I'm just giving example. और उसमें से एक सप्लायर 400,000 प्रोवाइड करता है, एक सप्लायर 1,000 सप्लाई करता है, तो अब आपका जो ज्यादा सप्लाई कर रहा है उसका मार्केट शेयर ज्यादा हो गया. से टोटल रिक्वायरमेंट वर्सेस सपोर्ट एक सप्लायर सप्लाई करता है मोर. आपको मैं थोड़े सा मजीद एग्जाम्पल दूंगा. 100 कंपोनेंट्स हैं, सपोज 100 शान मसाला चाहिए एक छोटे से गांव में, ठीक है. उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि से 1,000 शान मसाले के पैक चाहिए, ठीक है, 1,000 पूरे गांव में हर महीने, सपोज 1,000. तो शान मसाला उसमें से 800 सप्लाई करता है और दूसरा एनी अदर मसाला वो 200 सप्लाई करता है, तो शान मसाले का मार्केट शेयर ज्यादा हो गया. रिक्वायरमेंट एंड हु सप्लाई द मोस्ट, सो मार्केट शेयर इस तरह हो गया. टोटल रिक्वायरमेंट इज 1,800 सप्लाइड बाय शान मसाला, 200 सप्लाई, 200 सप्लाइड बाय अदर, तो मार्केट शेयर किसका ज्यादा हो गया? शान मसाले का ज्यादा हो गया. हर चीज में जैसे टोयोटा है, टोयोटा इस वक्त मेरे ख्याल पाकिस्तान में टोयोटा का मार्केट शेयर ज्यादा है, सबसे ज्यादा कारें टोयोटा की बिकती है मेरा ख्याल है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है. होंडा भी है वहाँ आपके और दूसरे सुजुकी भी है, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल मार्केट शेयर टोयोटा का ज्यादा है, ज्यादा कारें बिकती है ना, ये है मार्केट शेयर. टोटल इज हु सप्लाई व्हाट, हु कंट्रीब्यूट मोर, दिस द मार्केट शेयर. जैसे एक्साइट बैटरीज की मैंने एग्जांपल दी आपको, एक्साइट अगर टोटल रिक्वायरमेंट पूरे मुल्क की टोटल रिक्वायरमेंट का 60% वो लोग प्रोवाइड करते हैं. से अगर 100 रिक्वायरमेंट है तो 60 एक्साइट से जाती है, 60% हो गया ना, परसेंट यही हुआ ना, आउट ऑफ 100 कितने 60, अगर 100 में से एक्साइट सप्लाई करती तो 60% मार्केट शेयर हो गया, सिंपल. इसी तरह आपका फार्मास्यूटिकल में मेरे ख्याल फाइजर का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है मेरा ख्याल. So as it depends on the product also, like Glaxo, I don't know how active they are. Glucose, unka market share zyada hai for the glucose. So it depends on the product and who make what. Yani kitni requirement hai aur kitna aap supply kar sakte hain, wo market share hoga. Theek hai? Okay or no? Yes sir, thank you. Thank you, it's understood. Consumer Six Sigma is a problem solving process and mindset that significantly improves the customer satisfaction, shareholder value, viability. वही बात जो मैंने की थी कि आप एक problem सॉल्विंग प्रोसेस एंड माइंडसेट है जो आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है और शेयर होल्डर इंक्रीज करता है, जिसमें आप
रिड्यूस करते हैं वेरिएबिलिटी आपके हर बिजनेस की अप्रोच में, हर सारी से आप तीन प्रोसेस कर रहे हैं. सपोज एक प्रोसेस इंडस्ट्री है, उसके तीन प्रोसेस हैं. आपने मटेरियल लिया, आपने उसमें होल बनाए स्टैम्प करके, आपने उसमें फिर उसको वेल्ड किया किसी ब्रैकेट के साथ. सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. अब अगर वो होल बनाने में उसको होल बनाने में, उसको वेल्ड करने में, उसको स्टैम्प करने में वो अपने प्रोसेस को कंट्रोल करता है, वेरिएशन को कंट्रोल करता है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वेरिएबिलिटी रिड्यूस करता है एवरी एस्पेक्ट, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी. कस्टमर सेटिस्फेक्शन जहां बढ़ेगी, दिस इज सिक्स सिग्मा. क्या आप वेरिएशन कैसे कंट्रोल करते हैं अपनी पूरी कल्चर, कल्चर है इसे, कल्चर काइंड ऑफ कल्चर, हाउ यू चेंज द कल्चर. एवरीबॉडी इज बिहाइंड, ओ नो आई वांट टू रिड्यूस माय वेरिएशन, आई वांट टू रिड्यूस माय लॉसेस. जहां रिड्यूस करेंगे वेरिएशन को, लॉसेस रिड्यूस करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, वेरिएबिलिटी रिड्यूस करेंगे तमाम बिजनेसेस में. वो एग्जाम्पल फेडेक्स ही, फेडेक्स अगर से 100% उसकी डिलीवरी अगर अमेरिका में डिलीवर करना है और 100% उसकी डिलीवरी वहां पे अमेरिका में जाती है और सऊदी अरब गलती से नहीं जाती, तो डेफिनेटली उनका प्रोसेस रोबस्ट है और वो वेरिएबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें से कुछ परसेंटेज गलत डिलीवर होने लगे तो डेफिनेटली वेरिएबिलिटी में इफेक्ट पड़ेगा. तो वेरिएबिलिटी जहां रिड्यूस करेंगे एज पर स्टैंडर्ड, आपके प्रोसेस प्रॉफिटेबल होता जाएगा. कोई इंडस्ट्री चलाता क्यों है, कोई भी इंडस्ट्री चलाता क्यों है, इसलिए चलाता है कि वो प्रॉफिटेबल हो. कोई भी बिजनेसमैन, कोई अपना बिजनेस ऑपरेट नहीं करेगा अंटिल वो प्रॉफिट में ना हो. कोई स्क्रैप करना नहीं चाहता. स्क्रैप इज अ वे वेस्ट. ओके ओके सर, गॉट इट. सर आई हैव अ क्वेश्चन. यस सर जी बोले. जी सर, ये एश्योर करना, ये QA डिपार्टमेंट का, क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट का काम होता है इसको रिपोर्ट करना या इसको ठीक भी करना उनकी जिम्मेदारी होती है? नहीं, दिस इज द आइडियल कंडीशन. ये है कि होना चाहिए, क्वालिटी के पास काम ही नहीं होना चाहिए. प्रोसेस आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए, आइडियल कंडीशन बात कर रहा हूँ. प्रोसेस आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए. अभी हम आगे जाके पोक्यो की बात करेंगे. प्रोसेस इतना कंट्रोल होना चाहिए, आप हर चीज को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो चेक करने की, चेक और उसको चेक कर, चेक भी किया जा रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, टॉप टू बॉटम. ये कंसेप्ट गलत है कि वो सिर्फ क्वालिटी की जिम्मेदारी. नो, लोग कहते हैं साहब हम 100% इंस्पेक्शन करेंगे अपने पार्ट की. 100% इंस्पेक्शन इज नॉट ए वायबल आइडिया, इज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस. प्रोसेस इतना रोबस्ट होना चाहिए, प्रोसेस हर प्रोसेस अपने स्टैंडर्ड को मीट करे, इतना कंट्रोल होगा तो 100% इंस्पेक्शन की क्या जरूरत है. तो ओवरऑल बिजनेस फिलॉसफी है ये, इट्स नॉट क्वालिटी फंक्शन कि वो जाके उसकी जिम्मेदारी वो चेक करता रहे. चेक तो करता रहेगा, ठीक है, लेकिन मेन फोकस तो आपको अपनी वेस्टेज और वेरिएशन को कंट्रोल करना. अगर आप वेरिएशन कंट्रोल करेंगे तो क्वालिटी का काम
कम होगा ना. यस सर. अगर आप क्वालिटी पे छोड़ दें, वो क्वालिटी वाला चेक करे, मेरी की जिम्मेदारी, मैं तो बनाऊं, मैं तो डल रेड शर्ट बनाता रहा हूँ, वो रिजेक्ट करता रहेगा, रिजेक्ट करता रहेगा, तो क्या होगा भाई, आपका बिजनेस का तो खत्म हो जाएगा ना एक दिन. तो बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए वेरिएशन कंट्रोल करना लाजमी है प्रोसेस में. जहां वेरिएशन कंट्रोल करेंगे, जहां प्रोसेस स्टैंडर्ड को मीट करेंगे, आपका प्रोडक्ट आइडियल होगा. जैसे एग्जांपल दिए मैंने शान मसाले की, he's not my friend or anything like that, you know, but like I'm just giving example, like general example, ताकि लोगों की समझ में आए. इस वक्त मेरा ख्याल है कि शान मसाला का मार्केट शेयर ज्यादा है पाकिस्तान में. क्यों है? क्वालिटी यार मेंटेन. उसमें आपने कभी देखा है कि कोई कीड़े निकल आए या कुछ ऐसी चीजें निकल आए? नहीं. अब एक एग्जांपल देता हूँ. एक दफा आई एम इन यूएस, आई बॉट ए लाइक वो होता है ना अचार, आई बॉट ए अचार फ्रॉम अहमद. I don't want to mention his name, sorry about that, but like don't mention him, Ahmed. So like there was a problem, I found a rope inside the bottle. Sorry, I was in Pakistan then. Yeah, so there was a rope with the, I called them. I told them, see, this is like I'm not calling that you have to replace this, but like this is, you have to maintain your quality. अस्सलाम वालेकुम सर. यस जी सर, मैं ये कह रहा था कि हम सिक्स सिग्मा की मेथडोलॉजी को यूज करते हुए किसी भी प्रोडक्ट की कितनी एक्यूरेसी तक पहुंच जाते हैं, यानी उसकी आइडियल कंडीशन आ जाती है कि इतना एक्यूरेट है कि 99 या 90 कुछ समथिंग. देखिए ओवरऑल बिजनेस फिलॉसफी पे डिपेंड करता है, कोई आपको नंबर नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप मार्केट शेयर अपना बढ़ाएंगे, जैसे मैंने शान की एग्जांपल दी, उनका मार्केट शेयर बढ़ा हुआ है, काफी बढ़ गया है, ठीक है, इम्प्रूव होता जा रहा है. तो अब आप जब मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली अब आपकी फूड इंडस्ट्री इस वक्त डेवलप करी, आपकी ये जो स्टेट्स इवन दे आर इम्पोर्टिंग, तो उनका मार्केट शेयर एक जमाने में नहीं था. एक जमाने अब आपके, मैं यहाँ देख रहा हूँ इंग्लिश बिस्किट, ये उसकी काफी प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आते हैं, तो उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है ना, वो इंपोर्ट करने लगे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता. वो कॉलेसन कोई कंपनी है, चॉकलेट बनाते हैं वो, मेरे एक और दोस्त वहाँ पे एमडी है, तो वो ये इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन मैं कोई नंबर नहीं दे सकते आपको. लेकिन आपका से आप आज आपका मार्केट शेयर 25% है, ये दो साल बाद आपका 30% हो जाता है, तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव कर रहे हैं. सही. तो सर इसका मतलब यह हुआ कि हम मार्केट शेयर को कंसीडर करेंगे सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी के अंदर, हम वेरिएशन को भी मतलब सपोज करेंगे ना कि वेरिएशन कितना रिड्यूस हो रहा है टाइमली हमारे पास. सारा सारा जो कॉन्सेप्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सही. सेटिस्फेक्शन है तो आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा. कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो आप वेरिएशन को कंट्रोल कर रहे हैं. जी सही. कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो आप प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं, आप वेरिएशन कंट्रोल कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतर है. ये सारी चीजें हैं ना, तो सारी डायरेक्टली रिलेटेड है. सही सर. अभी आपने कहा कि क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा, वो मतलब उसको वर्किंग ही नहीं करनी चाहिए जब जहाँ पे सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजीज और उस तरह की मतलब लाइन ऑफ रूट मैप फॉलो किया जा रहा होगा. तो सर मैं ये नहीं समझूं कि क्वालिटी कंट्रोल ही बेसिकली एक मतलब एक जगह होती है जिसपे हम इंप्लीमेंट करते हैं सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी, यानी अगर वही वर्क नहीं करेगी. नो नो नो, क्वालिटी मेरा कहना है उस वर्क कर रही, पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द सिस्टम. क्वालिटी तो ये है ना, क्वालिटी का अपना ठीक है, क्वालिटी का अपना फंक्शन है, ठीक है, वो आपकी सारी सर्टिफिकेशंस, सारी सिस्टम्स, सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, ठीक है ना, कि भाई इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कैलिब्रेशन हुई है नहीं हुई, वो क्वालिटी वाला करवाता है ना, ठीक है सर.
ठीक को कैलिब्रेशन हुआ नहीं हुआ, वेरी जो हमारे गेजेस सही हैं या नहीं सही हैं, हमारी सारी चीजें ठीक है, पोकियो के इम्प्लीमेंट है या नहीं है, ये सारी चीजें क्वालिटी वाले कर रहे हैं, लेकिन ये अचीव करना ओवरऑल फिलॉसफी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफर्ट्स है इसमें कि उसका मार्केट शेयर बढ़ाएगा हर एक का, इवन ऑपरेटर, इवन आपके स्वीपर का बॉटम टू टॉप। अगर आप फर्ज कीजिए वहां क्लीनिंग, अगर आपके डस्ट को कंट्रोल करना है या प्लेसेस साफ होना चाहिए, वरना क्या होगा कि पार्ट्स में आपकी वो जमा होंगे, पार्टिकल जमा होंगे, डस्ट जमा होंगे, कंटेमिनेशन होगी। कंटेमिनेशन भी एक आपको वेरिएशन क्रिएट करता है ना बास प्रोसेस में। अगर जैसे फार्मास्यूटिकल में ले लें, वहाँ कंटेमिनेशन का एक मेथड होगा उसको कंट्रोल करने का। यस सर। तो ये पूरा एक सिस्टम है, एवरी बड़ी सिस्टम को चलाने के लिए। इसमें सिर्फ क्वालिटी नहीं, क्वालिटी का अपना फंक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर बैठा हुआ है उसका। देखें कस्टमर क्या होता है, एक इंटरनल कस्टमर होता है, एक एक्सटर्नल कस्टमर होता है। अगर मैं एक पार्ट को होल बना रहा हूँ और दूसरे पार्ट को दूसरी स्टेशन पे जाके वो वेल्ड हो रहा है और वो उस होल से लोकेट करके वेल्ड कर रहा है, अगर होल ही गलत होगा तो मेरा इंटरनल कस्टमर जो दूसरा ऑपरेटर है वो उसको वेरिएशन हो गई ना यहाँ पे। एक स्टेज से सो देयर आर इंटरनल कस्टमर, देयर आर एक्सटर्नल कस्टमर। वो अगर से वहां पे क्लीनिंग नहीं हो रही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या वैक्यूम सिस्टम नहीं काम कर रहा तो कंटेमिनेशन होगी, डस्ट पार्टिकल आएंगे। ऐसी आप पीसीबी एनवायरनमेंट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एनवायरनमेंट है पूरा, उसमें डस्ट बिल्कुल बहुत स्पेसिफिकली कंट्रोल होनी चाहिए वहां पे। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आप लोग समझते होंगे पीसीबीज, यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिकली है, वहां डस्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस यू नो, एंड जहां कस्टमर हम डिफाइन करते हैं एंड कस्टमर वर्सेस इंटरनल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर इज द नेक्स्ट ऑपरेशन इज अवर इंटरनल कस्टमर। ओके, बेसिकली मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो हम जो कॉन्सेप्ट आफाक साहब आप बता रहे हैं इन लोगों को वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि सिक्स सिग्मा जो है वो प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्वालिटी कंट्रोल करे। अरे उसका तो होना ही नहीं चाहिए, जैसे आफाक साहब कह रहे थे अभी, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपने अपना प्रोसेस सही तरीके से चलाया है, जिस तरह उसमें लिखा है इसको चलाना, उसमें प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए थी। और आनी जाने का मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। तो वो जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप कर रहे हैं इवेंचुअली, वो सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। और वेरिएशन आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं या डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही होती है कि आप चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और वेरिएशन एज स्मॉल एज पॉसिबल हो, जो कि लिमिट्स के अंदर है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे हमारे यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आगे जाके मैं पोकियोक की एग्जांपल आपको बताऊंगा क्या होता है पोकियोक। लेकिन ये होता है ना कि प्रोसेस इटसेल्फ कंट्रोल, बाद सिचुएशन में ऐसा होता है कि प्रोसेस वो काम नहीं कर रहा, तो फिर हम कस्टमर को कहते हैं कि आप, क्योंकि आप हमें हमारे जो असेंबली लाइन्स हैं, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स हैं, वो तकरीबन 60-70 कार्स पर आवर बनाते हैं।